हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज यो क्रिसमस देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे बस ठीक ठाक सी लगी। अगर आप लोगों को रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये सीरीज पसंद आ जाएगी। बाकी एक न्यूट्रल ऑडियंस के लिए इस सीरीज में ज्यादा कुछ है नहीं। अगर और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो कि 30 साल की हो चुकी है, सिंगल है, और उस पर घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तब ये लड़की क्या करती है, ये लड़की एक बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ती है। और उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन पे कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि इस तरह की सीरीज हमने इतनी ज़्यादा बार देख रखी है और सेम थीम पे इतनी ज़्यादा मूवीज भी देख रखी हैं कि सच में ये सीरीज हम पे किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, वो बस ठीक ठाक से ही लगता है। हो सकता है कि आपको ये शायद ये सारा सेटअप पसंद आ जाए क्योंकि आपने इस तरह की थीम पर ज़्यादा कुछ नहीं देखा होगा, लेकिन पर्सनली मैंने इतने ज़्यादा शोज और सीरीज इस थीम पे देख लिया ना कि मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं नए कैरेक्टर्स के साथ सेम स्टोरी देख रहा हूँ। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, हमें बताया जाता है कि ये लड़की किस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू कर रही है, किस तरह के लोगों से ये मिली है, क्या कुछ इसने एक्सपीरियंस करा है, वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक ठाक सी लगी। किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुका हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। फिर जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पूरी सीरीज प्रेडिक्टेबल रहती है, आपको पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। इसी कारण से इस सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स आप पे किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया क्योंकि हम उस कैरेक्टर में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे बस ठीक ठाक से ही लगे। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो सारी चीज़ें या तो आप इग्नोर कर दोगे अगर आप सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हो, या फिर आपको इतनी बार ये कंटेंट देख चुका हूँ कि वो सेम चीज़ें के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब अगर आप ये शो देखने के बारे में सोच भी रहे हो तो आपको पता होगा कि आप किस तरह के शो में इन्वेस्ट होने जा रहे हो। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही लगा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ठीक ठाक है, एडिटिंग भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सा शो है। अगर आप लोगों को रोम कॉम ड्रामास देखना पसंद आते हैं और अगर आप लोगों ने इस तरह के शोज पहले कभी नहीं देखे तो हो सकता है कि आपको ये शो पसंद आ जाए, लेकिन पर्सनली मैंने ये शो मतलब इस थीम पे इतने ज़्यादा शोज और मूवीज देखी है ना कि मुझे तो ये शो कुछ खास पसंद नहीं आया। इसी कारण से मैं तो इस शो को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह के शोज नहीं देखे तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, शायद आपको पसंद आ जाए। और अगर आप लोगों ने ये शो देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।